Hello everyone, it's the big game Mumbai versus Chennai and I'm here on Radio. Mega match hai Radio par exclusively aapke liye and first prize hai 5 lakhs. Jo bhi log dukhi ho gaye the ki wo jo paisa aur unka jo mauka tha jeetne ka wo bada prize wo ab wapas aa gaya. Wo rained out game jo tha Chennai versus Lucknow se, ab Chennai versus Mumbai mein ye jo prize pool hai ho gaya transfer. एंड कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने चेन्नई और लखनऊ के कार्ड लिए और सोच रहे कि हमको क्या वापस कार्ड लेने पड़ेंगे. नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी चेन्नई का एक या दो कार्ड होगा तो आपको वहां से कार्ड नहीं लेना है. आप सिर्फ यहाँ पे पैक्स में जाके मुंबई का डेब्यू एक पैक ले लो, उससे आप गेम खेल पाओगे. एंड प्लस आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा पैक के, क्योंकि आप जब मेरे लिंक से साइन अप करोगे आपको 1600 बोनस मिल जाएगा एंड फिर आप खेल पाओगे कॉन्टेस्ट. एंड बेस्ट पार्ट क्या है, करेंटली ये कॉन्टेस्ट को ज्यादा भरा नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब तक है 13,000 एंट्रीज एंड लोएस्ट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 80 रुपीज का, वो भी 26,000 रैंक तक. तो अगर आप वो 2.5 डॉलर्स खर्च भी कर रहे हो उसमें से 1 डॉलर तो आपको यही गेम में वापस दे रहे हैं. एंड ऑब्वियसली अगर आपका दिन अच्छा हुआ, क्योंकि आप FCP फैमिली से, तो ऑब्वियसली दिन थोड़ा सा 80 से अच्छा ही जाएगा. एंड प्लस क्योंकि लीग पूरी भरी नहीं है तो गुड चांस की यू इवन लैंड अप ऑन द हायर साइड ऑफ थिंग्स. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ गुड गेम एल क्लासिको टाइम एंड रैरियो पर जरूर खेलेगा. साइन अप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड वी हैव निखिल भाई विद अस टुडे. हाउ यू डूइंग निखिल भाई, एंड ऑल सेट फॉर द फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडे? Yes, sir. All set, and yep. Thank you so much, everyone, for tuning in. Very glad that I did not start on mute for a change. So we are learning. But Yes, yes, El absolutely. Clasico hai. Yeah, tak na. Early disclaimer. Barish. यस, सो लॉट ऑफ रेन हैज बिन अराउंड इन द टूर्नामेंट एंड ये गेम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ रेन हो पाए, बट वो हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे व्हेन वी गो टू द वेन्यू कंडीशंस फॉर दिस गेम. सो वेन्यू कंडीशंस फॉर दिस गेम, एक्सपेक्टिंग एन अदर स्लो ट्रैक सर? भाई एक्सपेक्टिंग से तो क्या ही बचा है, मतलब चेपॉक के ट्रैक, लखनऊ का ट्रैक चेपॉक जैसा बिहेव कर रहा है तो विच इज वियर्ड, पर वेरी कीन टू सी डे गेम है. पर अगर बारिश है, ओवरकास्ट है तो चेन्नई में हमें मूवमेंट देखने मिलती है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रूल दैट आउट. तो प्लीज टेक अ कॉल आफ्टर द पिच रिपोर्ट. स्पिनर्स गेम में रहेंगे, स्पिनर्स विल बी पार्ट ऑफ द गेम, बट अगेन बोथ दीज टीम्स, चेन्नई स्पिनर्स में जडेजा डिड नॉट बोल ऑल फोर विच इज स्ट्रेंज. तीक्ष्णा हैज बिन इतना अच्छा नहीं कर रहे तीक्ष्णा, तो ध्यान रखना किसको आप पिक कर रहे हो, क्या मैचअप में पिक कर रहे हो, क्योंकि पिछले टाइम जडेजा टू थ्री, सो होपफुली द सेम थिंग कंटिन्यूज. क्या सैंडर को खिला सकते हैं? दे कैन प्ले हिम, बट लेट्स सी फॉर हूम. सो स्पिन विल स्टे इन द गेम, बट आई थिंक फॉर्म प्लेयर्स के साथ आगे जाते हैं, बाकी तो फिर वी नो व्हाट हैपेंस इन द टूर्नामेंट. Yes, absolutely. And as far as the expectations from us for the conditions are, आपको पता है कि यहाँ पे एक साइड थोड़ा सा छोटा है 54-57 meters, while the other side is longer at 70-odd meters, जिसका क्या मतलब है कि spinners will bowl from that longer side, and अच्छा chance है कि अगर pacers को कुछ नहीं मिला वो deck से, then वो slower side, वो छोटे साइड से मार खा सकते हैं. Square boundaries are equal at 60 meters odd plus. So that is as far as the dimensions are concerned. And pitch यहाँ पर mix रही है, कुछ games हमें दिखा है कि spinners को grip मिली है, कुछ games have been flat out for batting. So watch out for the pitch report. And उसके अलावा obviously day game है, तो ऐसे deck पे अगर help नहीं मिली day game में तो मुश्किल है कि कहाँ और मिले भी नहीं. तो चलते हैं base team की तरफ. So before we get to the base team, it's a big day not only on Rario but also on Fan to Play. यहाँ पे शुरू हो रहा है third week of the leaderboard and आपको दिख सकता है यहाँ पे first prize है Quid की कार, second prize पे है bike, third prize पे है Samsung का phone and up till the 100th rank बहुत सारे prizes है and currently ये league है सिर्फ 11,000 odd spots की, तो अच्छा खासा chance है कि आप एंट्री लेते ही वो प्राइस के लिए एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एंड तक खेलते हैं, बहुत ज्यादा लोग बीच में ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं जैसे हम दोनों. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी इज द की ऐसे लीडरबोर्ड में आप रैंक लाने के लिए. एंड करेंटली आप 5% बोनस भी यूज कर सकते हो, तो आप जैसे साइन अप कर लोगे हमारे लिंक से 200% बोनस आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे मिल जाएगा, उससे आप
ये कॉन्टेस्ट में थोड़ा यूज भी कर सकते हो, एंड एक सीक्रेट हैक भी बता देता हूँ। जैसे डेडलाइन के पास आते हैं, बोनस का जो परसेंट है थोड़ा बढ़ जाता है, तो थोड़े टीम्स क्लोन करके रखिए रखो। एंड अब चलते हैं बेस टीम की तरफ। निखिल भाई इन द कीपिंग सेक्शन, कॉनवे एंड किशन, एनी डाउट्स हियर ऑन एनीबॉडी यू आर टेम्प्टेड टू ड्रॉप? क्योंकि इफ इट्स अ स्लो ट्रैक देन वी नो बोथ कैन हैव सेट ऑफ ट्रबल। हाँ, पर वो ये देखो, शुरू में तो स्लो ट्रैक नहीं रहा है, सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर टेकिंग बोथ। एंड अगेन, इफ इट्स स्लो डेक एज वेल, बोथ कुड गिव कीपिंग पॉइंट्स, सो डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। सो शुरू में तो डेक अच्छा ही रहा है, फॉर बाद में स्लो डाउन हो जाता है। सो मे बी दिस इज द गेम वेर यू पैक टॉप ऑर्डर बैटर्स एंड टेक लेसर ऑफ लोअर ऑर्डर बैटर्स, अनलेस यू आर वेरी श्योर कि उनको बैटिंग मिलेगी। तो वैसे अभी के लिए तो ये दोनों आई एम श्योर सभी के टीम में होंगे। यस, फेयर इनफ। एंड चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ पे है कुछ ऑब्वियस चॉइसेस, सूर्या, ऋतुराज एंड तिलक वर्मा। आई थिंक मेजॉरिटी लोग की टीम में रहेंगे जैसे इनका फॉर्म चल रहा है। एंड चेन्नई से वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन कि जैसे रहाने और दुबे हैव वन आउट गेम वेर दे डोंट बैट और वेर दे डोंट गेट पॉइंट्स, उनका सिलेक्शन परसेंट वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ द डायनामिक्स हैव बीन एंड पीपल वॉन्ट टू बैक द गाइज हु दे हैव सीन मोर इन टर्म्स ऑफ एयर टाइम। एंड उसके अलावा आप ये भी यहाँ पे ध्यान रखें कि मोस्ट ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम प्ले स्पिन प्रीटी वेल, सो दैट विल वर्क इन देयर फेवर। बट देर इज फॉर्म वर्सेज मैचअप हियर, एंड वी ऑल नो अबाउट सूर्याज फेम मैचअप वर्सेज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, एंड जडेजा हैज हिम मल्टीपल टाइम्स। आई थिंक हाउ मेनी टाइम्स, आई थिंक 3 times इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही इज स्ट्राइक रेट इज अबाउट 70 odd, सो काफी दिक्कत है। एंड लाइक निखिल भाई मेंशन, सैंटनर अगर आ गए तो वो भी इन्हें परेशान करके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सैंटर के खिलाफ भी नंबर, इफ यू सी 57 बॉल्स में 3 बार आउट हो गए हैं सैंटर को, और जडेजा को इन लास्ट 3 ईयर्स 30 बॉल्स 21 विकेट। अगेन वैसा ट्रबल नहीं है, बट अगेन अगर पिच में थोड़ा भी होल्ड है तो ट्रबल होता था, बट उसके अलावा बाकी सबके साथ मैचअप काफ़ी बढ़िया है। तो अगेन यू विल होप के भाई स्काई वो मैचअप को निकाल लें। और इसके अलावा बैटिंग सेक्शन से अगर आपको किसी को लेना है तो इट विल प्योरली बी ओनली शिवम। अगेन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ स्लो डेक जहाँ पे स्पिन को मदद है, क्योंकि फिर लंबे लंबे छक्के मार सकता है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा बैटिंग डेक है तो आप रहने को भी ले रहे हो, तो इन दैट केस मे बी यू कैन ड्रॉप मोइन अली अगर आपको लगता है कि वो बॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं आई है, बॉलिंग में ही टेकन विकेट्स। तो अभी के लिए इसके लिए मोइन को रखा है। अगेन ऑल थ्री ऑब्वियस ऑप्शंस, जडेजा, कैम ग्रीन और मोइन अली, तो ये तीनों होने चाहिए। अगर ऋतिक शौकीन खेलते हैं, क्योंकि लेफ्टी बहुत है, तो ही इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू ट्राई, बट अदरवाइज स्मॉल लीग में तो आई एम श्योर यही तीनों होंगे। यस, फेयर इनफ, फेयर कॉल्स। एंड चलते हैं बॉलर्स की तरफ। यहाँ पे हम थोड़ा स्पिन को बैक करें, पीयूष चावला एंड महेश तिक्षाना। एंड हमारे लास्ट पिक है मतीशा पतिराना, हु बोल्ड ऑल 4 overs इन द डेथ इन द लास्ट गेम वर्सेस लखनऊ। एंड प्लस इनके वेरिएशन अच्छे हैं, कटर्स अच्छे हैं, तो अच्छा चांस है कि अगर थोड़े बहुत रन भी दे दे विकेट तो लाकर दे देंगे, तो फैंटेसी वैल्यू आपकी हो जाएगी पूरी। एंड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इज सेफर इन जडेजा एंड कैमरन ग्रीन, बिकॉज जडेजा शुड गेट सम हेल्प, प्लस ही हैज सम फेवरेबल मैचअप्स, प्लस आप को थोड़ी बहुत बैटिंग एंड फील्डिंग भी मिल गई तो आपका काम हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर कैम ग्रीन, इवन दो स्पिन कैन बी अ कंसर्न फॉर हिम, उनको बॉलिंग मिल रही है ठीक ठाक, एंड जैसा बैटिंग नंबर है एंड जैसे वो खेलते हैं आपको 30-40 points का बैंक तो दे ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन भी अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्म वाला है कि अगर आपको जडेजा अली जाना है, जडेजा स्काई जाना है, जडेजा तिलक जाना है, यू कैन गो एनी विच वेज। इट आपकी विजुलाइजेशन बैक करो, यू कुड गो विद चावला एज वेल, बट अगेन सी इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, डे गेम में आपको कितना मदद लग रहा है मिलेगा। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ गुड ऑप्शंस, ग्रेट गेम फॉर मल्टी मल्टी विनर्स एंड मल्टीपल टीम्स। यस, एब्सोल्युटली। एंड सर, बिफोर वी गेट टू द ग्रैंड लीग ऑप्शंस, व्हाट्स योर विन प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम? यार आई एम रियली स्केर्ड ऑफ रेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा देख के करूंगा, शायद क्लोजर टू द गेम करूँ, क्योंकि अगर छोटा गेम हो जाता है तो फिर ये थोड़ी लॉटरी जैसी हो जाती है। एक तो वैसे ही टूर्नामेंट में सब लोग 50-100 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, तो कंडीशंस अगर ड्रास्टिकली डिफरेंट हुए दोनों इनिंग में, तो देन इट विल बी टू हार्ड फॉर इफ द साइड इज लॉस्ट टू मेनी विकेट्स अर्ली। तो आई होप चेन्नई कैन स्टे अप विद अ विन, पर ये टूर्नामेंट में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। यस, फेयर इनफ। सो दैट्स द विन प्रेडिक्शन फॉर टुडे। एंड अब चलते हैं हमारे ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। जैसे महाकुट ने कहा पहले आप। सो ग्रैंड लीग ऑप्शन तो काफी है गेम में, बट मैं जाऊंगा, जैसे हमने कहा कि अगर वो खेलते हैं तो मिच सैंटनर,
आई थिंक आई एम बैकिंग लॉट ऑफ बेंच प्लेयर्स फॉर ग्रैंड लीग ऑप्शंस, बट दैट्स द फन ऑफ इट. सो जैसे मैचअप्स है थोड़ा ट्रैक से हेल्प है, एंड प्लस होपफुली अगर ट्रैक से उतना हेल्प हो तो उनकी भी बैटिंग आ ही जाएगी दूसरे साइड से. सो मिथ बिल्कुल सैंडलर फ्रॉम चेन्नई एंड फ्रॉम मुंबई, आई डोंट नो विच पेसर विल प्ले, बट इफ दे आर बोलिंग फर्स्ट देन विच एवर पेसर प्लेज देन एट द डेथ आई एम एक्सपेक्टिंग विकेट्स, बिकॉज वी नो दैट चेन्नई इज फुल ऑफ प्लेयर्स जो स्पिन अच्छा खेलते हैं. तो इवन दो ट्रैक में मदद हो, अच्छा अच्छा खासा चांस है कि वो स्पिनर्स को खेल कर निकाले एंड फिर डेथ में विकेट्स आ जाए. हेंस एनी पेसर दैट प्लेज फ्रॉम मुंबई, वेदर इट्स जोफ्रा, राइली, हूएवर फिट्स इन द स्लॉट. हाँ नहीं बिल्कुल फेयर है. मेरा भी CSK का जो ग्रैंड लीग कॉल था वो मिचेल सैंड नहीं था, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले. अगर वो नहीं खेलते तो अगर आपको तीक्ष्णा को बैट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेम्स हो गए जहाँ से उनका इम्पैक्ट नहीं है, और उनका एक गेम आता है जब वो 3-4 विकेट लेके जाते हैं. तो दैट इज़ द वन एस्पेक्ट दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. जोफ्रा भी जैसे उन्होंने कहा काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है. तो अब जब दोनों मेरे बॉलर ऑप्शन गए हैं तो आई स्टिक टू इधर तिलक वर्मा और पीयूष चावला. अगेन दोनों ही बेस्ट टीम का हिस्सा है, पर मुझे लगता है जैसा उनका फॉर्म है, चेन्नई ने शायद सबसे ज्यादा विकेट दिए लेग स्पिन को इस टूर्नामेंट में अब तक. सो देर इज अ मैचअप देयर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ. तो पीयूष चावला अगर आपको लगता है कि गेम ग्रिप है डेक पे, और तिलक वर्मा क्योंकि ही इज समबडी हु कैन बैटल द स्पिन ऑप्शंस बेटर. तो अगेन दैट इज अ लॉजिक देयर. बाकी तो यस ऑलवेज बैक योर विजुलाइजेशन. यस एब्सोल्युटली. तो ये रहे हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस, एंड अब चलते हैं जर्सी गिवअवे की तरफ बिफोर वी गेट टू द एक्सचेंज 22 पिक्स. हाउ मेनी रन्स विल स्काई स्कोर वर्सेस CSK एट चेपॉक? वी हैव गिवन यू एन एग्जांपल, आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको क्या लग रहा है वो कितने रन बनाएंगे. प्लीज मेंशन यही फॉर्मेट में आंसर दे देना ताकि इजी हो जाए रीड एंड सर्च करने के लिए. एंड प्लीज डेडलाइन के बाद मत आंसर देना, नो मल्टीपल कमेंट्स. एडिट करोगे तो खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आंसर, तो प्लीज एडिट मत करना. तो ये हो गया हमारा आज का जर्सी गिव अवे क्वेश्चन. एंड एक्सचेंज 22 पिक्स के पहले सर, हाउ मेनी रन डू यू थिंक ही विल स्कोर? फॉर इंडिया से अगेन हिज सेक 56 ऑफ 36. That will be an entertaining game if that happens at Chepauk. So 56 of Yeah. 36 from sir, and now we'll move to the exchange 22 picks for this game. So we'll start, sir, with the Chennai side of things. Who is your first pick from here? The worst one is very clearly Mahesh Pathirana. 27 पे है और मुंबई एंड में बहुत मारती है. तो दे ट्राई टू गो बिग, तो दे कुड गो बिग एंड गिव हिम टू टू थ्री विकेट्स. आई होप वो आए क्योंकि ही इज बोल्ड वेल, ही इज बीन वेरी अनलकी. तो मुझे लगता है होप वहां से वो लक आ जाए उनके लिए. और तो एक पथिराना आपके पास ऑप्शन है. ठीक से ना, अगेन आई वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट एट चेपॉक, बट उनका रिसेंट फॉर्म इतना इंस्पायरिंग नहीं रहा है. तो अगेन 2 विकेट मिलेंगे क्या, आई एम नॉट श्योर गिवन इज रिसेंट फॉर्म. बट अगेन अगर आप ग्रैंड लीग में बैक कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप वो पंट ले सकते हो. इसके अलावा देर इज तुषार देशपांडे. भाई वो 60 रन खा जाता है पर विकेट तो ले रहे 3. तो अगर आपको लगता है कि बॉलिंग पूरी मिलेगी तो प्लीज ट्राई. यस फेयर इनफ. सो दोज आर द पिक्स फ्रॉम चेन्नई. वाइल वेन वी लुक एट द मुंबई साइड ऑफ थिंग्स, समवन जो टोटली अंडर द रेडार चले गए लास्ट गेम में, बट आई थिंक उनको क्रेडिट नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, आकाश मधवाल बोल्ड एट द डेथ. एंड जो थोड़े रन बचे वहां पे डेथ में वो उनकी वजह से ही बचे. एंड करेंटली 17 पर ही है, तो एक विकेट भी आपको देकर जाएंगे तो यू विल बी इन द ग्रीन जोन. वाइल ऑब्वियसली पीयूष चावला इफ इज बोलिंग सेकेंड, ही इज कंसिस्टेंटली बीन टेकिंग 2 विकेट्स, एंड ये ट्रैक पे उनका काम बन सकता है. While तिलक इज बिल्कुल ऑल्सो अटेम्प्टिंग चॉइस, बट तिलक वर्मा विल टोटली डिपेंड ऑन हमें क्या लग रहा है उनको कितनी बैटिंग मिलेगी, कैसा ट्रैक है. सो दैट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ कंडीशन बेस्ड पिक. और इसके अलावा देखो कैम ग्रीन इज अ गुड ऑप्शन टू सेल हियर. 47 काफी अच्छा प्राइस है. अगर आपको लगता है कि बॉलिंग ज्यादा नहीं करेंगे तो पिछले गेम में 2 ही ओवर करे थे, विकेट नहीं मिला था. और अगर बैटिंग में आपको लगता है कि स्पिन टेक केयर कर लेगा तो 47 इज अ ग्रेट नंबर टू प्ले विथ. कि थोड़ी स्टार्ट भी मिल गई, एक विकेट भी ले लिया तो भी यू कुड बी इन माइनर यू नो इन्वेस्टमेंट बैक टाइप ऑफ रेंज. तो अगेन वो मुझे लगता है सेल के लिए डिसेंट ऑप्शन है. बट अगेन वो चेन्नई है, रोड हो गया तो भाई वो अकेला 150 भी मार लेगा क्या पता. यस वेरी मच पॉसिबल. सो ये रहे हमारे आज के पिक्स एक्सचेंज 22 के. आप भी जल्दी से जाइए, ऐप लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू साइन अप.
And you can join us on Telegram for the final teams. And you can also join Nikhil Bhai's channel. Or both the links are again in the description of this video. And please do play responsibly, as this game might be financially risky. So please play responsibly. And we'll see you all very soon for the next one. Thank you so much for tuning in. Thank you so much, sir. Play responsibly, everyone. Cheers.